वाइट का एक मोटी लेयर वाइट कलर की थोड़ी थिक लेयर जो है वो इस पे पोर करूंगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें इसमें जो कलर है, कलर करने से पहले हमें इसमें एक वाटर की पतली सी लेयर अपने बोर्ड पर या अपने मीडियम पर लगानी है, जहाँ भी हम कलर करने वाले हैं। एक पतली सी लेयर हमें वहाँ लगानी है, जिससे कि कलर की फ्लुएंसी बढ़ जाए और कलर आराम से फ्लोट कर सके, आराम से फ्ल्यू हो जाए। आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको थोड़ा सा डार्क भी कर दिया है। इसके बाद एक मैं कलर की एक थोड़ी सी थिक लेयर जो है इस पे पोर करने वाली हूँ, मैं इस पे डाल रही हूँ। एज आपको दिख रहा होगा कि मैंने इस पे कलर जो है वो पोर कर दिया है। और मैं इसको जिस डायरेक्शन में करूंगी कलर उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ी सी थिक लेयर डालनी है, इसलिए मैंने इस पे कलर दोबारा पोर किया, ताकि ये पूरे पोस्टर पे आराम से मूव कर सके। जैसे कि अब आपको भी दिख रहा होगा कि कलर पूरे पोस्टर पर मूव कर चुका है, कलर पूरे कोस्टर पर मूव कर चुका है। सो आफ्टर दिस अब मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर आई एम गोइंग टू पोर सम ड्रॉप्स ऑफ पर्पलिश पिंक। और अगर आपका कलर कहीं भी थिक है तो आप उसको डाइल्यूट हल्का सा कर सकते हो। जैसे अब मैंने इसमें पोर कर दिया पिंक के दो ड्रॉप्स। As usual, I'll pour some drops of cerulean blue. कर दिया मैंने इसको pour, and after this, अब मैं इसको जहां move करूंगी color वहीं move करेगा। आपको दिख रहा होगा कि कलर मूव कर रहा है, कलर अपना काम ढंग से कर रहा है। सो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, अलग अलग तरह का होता है। सो हमें क्या करना है कि मैंने क्या किया, पेन में से रिफिल निकाल लिया है, एंड आफ्टर दिस मैं इसको ब्लो करने वाली हूं। ये आगे से जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जो हमारे इनर एयर जो होती है वो पॉप करती है इसके आगे निप पॉइंट से।
आपको दिख रहा होगा, जैसे कि वीडियो क्लियर है? इज द वीडियो क्लियर? अब जैसे कि मुझे इसमें ब्लू की कंसिस्टेंसी सही लग रही है, बट पिंक थोड़ा सा कम लग रहा है फ्लो करने के बाद, सो मैं इसमें सेमली एक ड्रॉप और डाल रही हूँ।